दोस्तों अगर आप भी जडेजा और अश्विन को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन रविचंद्रन अश्विन ने अपनी शातिर चतुराई भरी गेंदबाजी से पलटकर रख दिया पूरा मुकाबला। जडेजा ने भी निभाया साथ, बीच मैदान पर ऐसी गेंदबाजी का नजारा देख पूरा भारत कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिरकार भारत की पूरी गेंदबाजी आपको वीडियो में दिखाएंगे तो बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले आप भी अगर अश्विन को अच्छा गेंदबाज मानते हो तो कमेंट बॉक्स में अश्विन लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर कप्तान बेन स्टोक्स के टॉस जीतने के साथ शुरू हुआ, जहां उन्होंने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा को भी पहले बल्लेबाजी ही चुननी थी, लेकिन यहां पर इंग्लैंड का कप्तान थोड़ा शातिर निकला, लेकिन यहां पर भारतीय गेंदबाजों के आगे ये शान पट्टी उनकी बिल्कुल नहीं चली। हुआ ये कि जब जैक क्रॉली और बेन डकेट मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो दोनों बल्लेबाजों को पहले विकेट के लिए यहां पर 55 रन की साझेदारी करते हुए देखा गया, लेकिन यहां जब इंग्लैंड टीम लगातार रन बनाती चली जा रही थी तभी बेन डकेट को रविचंद्रन अश्विन ने अपने जाल में फंसाया, जहां 39 गेंदों पर 35 रन की पारी बेन डकेट की यहीं समाप्त हुई। और अपनी इस पारी में उन्होंने भले 7 चौके लगाए, लेकिन अश्विन के आते से ही वो खामोश वापस लौटते हुए नजर आए। अब रविचंद्रन अश्विन एक्टिवेट हो चुके थे और दूसरी तरफ ओली पॉप जैक क्रॉली पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा ने फैसला किया कि रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए भेजा जाएगा, और जडेजा ने आते से ही ओली पॉप को अपने जाल में फंसा लिया और 11 गेंदों पर 1 रन बनाकर ओली पॉप रोहित शर्मा को कैच थमा बैठे, जिसके चलते यहां पर भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता मिली। हालांकि दोस्तों दो बड़े विकेट मिल जाने के बाद भारतीय टीम अब और विकेट लेने की तलाश में थी। इस बीच रविचंद्रन अश्विन जब 16वें ओवर की पहली गेंद करवा रहे थे तभी उन्होंने जैक क्रॉली को अपने जाल में फंसा लिया, जो कि 20 रन बनाकर खेल रहे होते हैं, और उनको मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा के भारतीय टीम को यह तीसरी बड़ी सफलता दिलाई, जिसके चलते यहां भारत ने 3 बड़े विकेट इंग्लैंड टीम के मात्र 60 रन पर ही चटका दिए। अब 3 बड़े विकेट मिल जाने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हो चुके थे और यहां इंग्लैंड के लिए अब जो रूट और जॉनी बेस्ट्रो पारी को संभाल रहे थे, लेकिन यहां पर इनको भी यह अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज इस लेवल की गेंदबाजी करवाएंगे कि यहां इनके भी पर खच्चे उड़ जाएंगे। हुआ ये कि जो रूट को काफी ज्यादा तंग रविचंद्रन अश्विन ने किया। इस बीच हर पल ऐसा लग रहा था कि उनका विकेट गिरने ही वाला है, लेकिन यहां वो बार बार बच जा रहे थे। और दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने यहां भारतीय टीम को जल्दी विकेट दिलाने की ठान ली थी, और फिर क्या था, यहां पर इंग्लैंड की टीम ने अपना 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया, और देखते ही देखते अब इंग्लैंड की टीम ने यहां मजबूत पकड़ बना ली। लेकिन दोस्तों अभी मैच बोले जाने तक इंग्लैंड टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका है, 3 विकेट लिए जा चुके हैं लंच समाप्त होने तक। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं कि रविंद्र जडेजा और अश्विन में से कौन सबसे ज्यादा विकेट लेगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।